हाय फ्रेंड, आज मैं बनाने वाली हूँ टमाटर की बहुत ज़्यादा टेस्टी कढ़ी। इस कढ़ी के साथ में आपको ना चटनी की ज़रूरत है ना अचार की ज़रूरत है। इसको आप पूरी, पराठा, रोटी, चावल किसी के भी साथ में आराम से खा सकते हो। चलो हम कढ़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है 1.5 कप दही। दही को हम अच्छे से फेंट लेते हैं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा खट्टी दही है, इसमें आप थोड़ा सा पानी मिक्स कर सकते हो। देखो, दही को मैंने काफ़ी अच्छे से फेंट लिया है। दही को मैंने बहुत ज़्यादा पतला बना लिया है। अब इसमें डालेंगे कुछ मसाले। सबसे पहले मैं डालूंगी 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा सा भुनी हुई जीरे का पाउडर डालूंगी और थोड़ा सा काली मिर्ची का पाउडर। अब इन मसालों को हम दही में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जो भी मसाले आप घर में खाने में यूज करते हो, वो मसाले आप इसमें डाल सकते हो, अपने हिसाब से कम ज़्यादा आप डाल सकते हो। देखो, सारे मसालों को मैंने दही में अच्छे से मिक्स कर लिया है। हमारे दही मसाला रेडी हो गया है, इसको हम साइड में रख देते हैं। अब मैंने लिए हैं यहाँ पर टमाटर। टमाटर को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। मैंने छोटे साइज़ के टमाटर लिए हैं। सबसे पहले हम करेंगे टमाटर की कटिंग। सबसे पहले इसके ऊपर का हिस्सा कट करके इसको हम अलग कर देते हैं, इसको कड़ी में यूज नहीं करेंगे। अब मैंने लिए चम्मच, चम्मच से टमाटर के बीच में ऐसे छेद कर लेना है सारे टमाटर के बीच में, ताकि जो कड़ी का मसाला है वो टमाटर के अंदर तक जाए। तो छोटे साइज के टमाटर ही कड़ी बनाने के लिए यूज करने हैं, तो इन्हीं से काफ़ी टेस्टी कड़ी हमारी बनती है। देखो, सारे टमाटर के बीच में मैंने ऐसे ही छेद कर लूँगी। आराम से इसे चम्मच से छेद हो जाता है। देखो, सारे टमाटर के बीच में मैंने अच्छे से छेद कर लिया है। सारे टमाटर कड़ी बनने के लिए अच्छे से रेडी हो गए हैं। छोटे साइज़ के टमाटर हैं, इनको साइड में रख के अब मैंने लिए कढ़ाई। कढ़ाई को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। इसमें मैंने 2 चम्मच सरसों का तेल डाला था। तेल भी अच्छे से गर्म है। इसमें मैं डालूंगी साबुत धनिया, जीरा, तेज़पत्ता, लौंग, बड़ी इलायची, काली मिर्ची। अब मैं थोड़ा सा इसमें डालूंगी राई दाना, सरसों दाना, साबुत सूखी लाल मिर्ची। मसालों को हम अच्छे से भून लेते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़े से जम्बू के पत्ते। काफ़ी टेस्टी इनसे कड़ी बनती है, इसका काफ़ी अच्छा तड़का लगता है। देखो, इसको भी हम अच्छे से भून लेते हैं। मसाले हमारे अच्छे से भून गए हैं। अब मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्ची, लहसुन, अदरक को मैंने दरदरा सा कूट लिया था। लहसुन के पत्ते भी इसमें मैंने डाले हैं। इसको भी हम अच्छे से भून लेते हैं। अगर आप खाने में लहसुन का यूज़ नहीं करते हो, तो आप इसमें लहसुन नहीं भी डाल सकते हो कड़ी में। देखो, सारे मसालों को मैंने अच्छे से भूनने के बाद अब इसमें डालेंगे दही का मसाला, जो हमने कड़ी के लिए स्पेशल बनाया था। इसको भी हम इसमें डाल लेते हैं। दही मसाला इसमें मैंने अच्छे से डाल लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी नमक, टेस्ट अनुसार कम ज़्यादा आप इसमें डाल सकते हो। तो हमें चम्मच चलाते रहना है, 2 से 3 मिनट तक कम से कम लगभग हमें चम्मच चलाना है, वरना जो दही है वो फट जाती है। तो 3 मिनट हो गए हैं लगभग मेरे को चम्मच चलाते हुए। देखो, दही हमारी बिल्कुल भी नहीं फटी है। गैस की आँच मीडियम रखनी है। अब हम इसमें ढक्कन लगा देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि जो दही है वो अच्छे से पक जाए, मसाले भी दही के साथ में अच्छे से कुक हो जाएंगे। 3 मिनट के बाद इसका हम ढक्कन हटाते हैं। देखो, जो दो दही का मसाला हमने रखा था ना कुक होने के लिए, वो अच्छे से कुक हो गया है। काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा भी हो गया है। चम्मच चला के मैं आपको दिखाती हूँ। अब इसमें डालूंगी पानी अपने हिसाब से। मैं इसमें कम ज़्यादा आप डाल सकते हो। मैं 1 गिलास पानी डालूंगी। आप अपने ग्रेवी के हिसाब से कम ज़्यादा इसमें पानी डाल सकते हो। 1 गिलास पानी डालने के बाद इसमें हम सारे टमाटर डालेंगे, जो टमाटर मैंने लिए थे कढ़ी बनाने के लिए। टमाटर डालने के बाद इसके ऊपर से मैं डालूंगी पुदीना, थोड़ा सा कसूरी मेथी डालूंगी। कसूरी मेथी से काफ़ी टेस्टी हमारी कढ़ी बनती है। कसूरी मेथी भी मैंने इसके ऊपर से डाली है। अब इसके ऊपर से डालूंगी हरा धनिया। अब इस सारी चीज़ों को मैं थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। जो टमाटर की कढ़ी बनती है ना फ्रेंड, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। इसके साथ में आपको चटनी अचार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जब भी आप इसको चावल के साथ में खाओगे। सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ढक्कन लगा देते हैं। बीच बीच में इसको चलाते रहना है। कम से कम कढ़ी को अच्छे से रेडी होने में 10 मिनट का टाइम लग जाता है। तो बीच बीच में हम इसका ढक्कन हटाएंगे, थोड़ा सा इसको चला लेते हैं। तो 10 मिनट में हमारी कढ़ी जो है वो बनके रेडी हो जाएगी। 10 मिनट इसको मीडियम आंच पे हमें अच्छे से कुक कर लेने हैं। बीच बीच में चम्मच ऐसे चलाते रहने हैं। 10 मिनट से ज़्यादा का टाइम हो गया, अब मैं इसका ढक्कन हटा लेती हूँ। देखो, हमारी टमाटर की जो कढ़ी है वो बनके अच्छे से रेडी हो गई है। मैं आपको दिखाती हूँ जो टमाटर हैं वो कितने अच्छे से कुक हो गए। टमाटर को हमें बहुत ज़्यादा भी कुक नहीं करना है, बस इतना कुक करना है वो अच्छे से हाथ से ऐसे बीच के। देखो, हमारी कढ़ी जो है कितना प्यारा सा कलर उसका आ गया है। अब मैं इसमें लगाऊंगी घी का तड़का। घी, साबुत मिर्ची, साबुत धनिया और जीरे का तड़का मैंने लिया है। इसके ऊपर से हम ऐसे तड़का लगाएंगे। तड़का इसमें बहुत ज़्यादा टेस्टी कढ़ी बनती है। तड़के से आप चाहे तो बटर का भी लगा सकते हो। तड़का लगाने के बाद इसके ऊपर से मैंने डाल लिया है हरा धनिया। इसको भी अच्छे से मिक्स करके टमाटर की हमारी बहुत ज़्यादा टेस्टी और स्वादिष्ट कढ़ी बन के रेडी है। इसको आप चावल और रोटी के साथ में बहुत ज़्यादा आराम से खा सकते हो। मैंने इसको बनाया है चावल के साथ में।
अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि मेरी और भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। इस कड़ी को आप ट्राई करें। अगर आप एक बार इस कड़ी को बनाओगे ना फ्रेंड, तो आप फिश कड़ी खाना भूल जाओगे। फिश कड़ी से भी ज़्यादा टेस्टी टमाटर की कड़ी बनती है। इसको आप सिर्फ ट्राई करें, ट्राई करके कॉमेंट में मेरे को बता सकते हो आपको एक कड़ी कैसी लगी। देखो जो टमाटर है हमारे हाथ से, कितने अच्छे से वो टमाटर गला हुआ है, कितने अच्छे से कुक हुआ है। और राइस के साथ में तो इतना मज़ा आता है इस कड़ी को खाने में, आप यकीन नहीं करोगे बहुत ज़्यादा टेस्टी कड़ी बनती है।